अब हम लोग देखेंगे सिंगल इंग्लिश में डिस्प्ले फंक्शन के बारे में। मतलब अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा फंक्शन कर चुके हैं। मतलब नॉर्मली इस ट्यूटोरियल में मैंने जो जो बोला था, जिस फंक्शन के ऊपर डिस्कस करूंगा ये मैंने बताया था, वो सारा फंक्शन मैंने डिस्कस कर चुका। अब ये लास्ट मेरा फंक्शन है जो है मेरा डिस्प्ले फंक्शन। इसके थ्रू से क्या होगा, जितना भी सारा नोट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, हर एक नोट का डाटा पार्ट में जो जो वैल्यू मैंने स्टोर कर दिए थे उसको अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू से। ओके, और डिस्प्ले फंक्शन के बाद जितना भी सारा मैंने यहाँ पर फंक्शन इंप्लीमेंट किया, लगभग मैंने 11 फंक्शन को, मतलब डिस्प्ले को लेकर 11 फंक्शन मैंने एक्सप्लेन करूँगा। तो इस 11 फंक्शन को कनेक्ट करने के लिए एक मेन मेथड हम लोग को लिखना पड़ेगा, जिस मेन के थ्रू से ये 11 जो मेथड है उसको हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्प्ले फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब डिस्प्ले फंक्शन कैसे काम करेगा। तो वाइड डिस्प्ले, उसके बाद स्टार्ट नोट टाइप का मैंने एक पॉइंटर ऑफ पी ले लिया। पी इक्वल टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट का प्रॉपर्टी पी में आकर स्टोर हो चुका है। मतलब जहां पर स्टार्ट है वही अब मेरा पी है। मतलब पी इक्वल टू हो गया मेरा 2050, मतलब 2050 मेरा पहला वाला नोट है, वो हो गया अब मेरा पी। यहां पर वाइल चेक हो रहा है, पी क्या नॉट इक्वल टू नल है, पी मेरा 2050 है, मतलब ये वाला नोट है वो नल नहीं है, कंडीशन ट्रू अंदर आएंगे। प्रिंट है परसेंटेज डी, पी का जो डाटा पार्ट में जो कुछ भी है वो अब प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट के डाटा पार्ट में, पी के डाटा पार्ट में क्या है मेरा 7 है, तो प्रिंट है परसेंटेज डी। 7 एक इंटीजर टाइप नंबर है इसलिए परसेंट डी मैंने यूज किया। पी के डाटा पार्ट में क्या है मेरा 7 है, तो 7 प्रिंट होगा। मतलब पहला वाला नोट का जो वैल्यू था डाटा पार्ट में, जो वैल्यू था वो अब प्रिंट हो चुका है मेरा। p इक्वल टू p पॉइंट्स टू add, मतलब p के add पार्ट में, एड्रेस पार्ट में क्या है मेरा 2052 है, वो अब p में आके स्टोर हो जाएगा। मतलब p इक्वल टू हो गया मेरा 2052 का मतलब क्या हुआ, p यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा। ये वाइल लूप है, फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक मैं इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। P नॉट इक्वल टू नल, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आएंगे। प्रिंट है परसेंटेज डी, फिर से प्रिंट हो रहा है P का डाटा पार्ट, P के डाटा पार्ट में है क्या मेरा 4, मतलब अब मेरा 4 प्रिंट हो गया। P इक्वल टू P पॉइंट्स टू ADD, P के ADD पार्ट में, मतलब P के एड्रेस पार्ट में क्या है मेरा 2054, वो अब P में आके स्टोर हो गया है। मतलब P इक्वल टू हो गया मेरा 2054, फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2054 होने का मतलब है P यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, p नॉट इक्वल टू नल, p 2054 है नॉट इक्वल टू नल, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आएंगे। प्रिंट है परसेंटेज डी, पी का जो डाटा पार्ट है, पी के डाटा पार्ट में अभी मेरा 9 है, तो 9 प्रिंट हो गया। पी इक्वल टू पी पॉइंट्स टू ADD, पी के एड्रेस पार्ट में, पी के एड्रेस पार्ट में अभी क्या है मेरा नल है, कुछ नहीं है, मतलब ये नल है, तो पी इक्वल टू हो गया मेरा नल। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, नल क्या नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि नल इज इक्वल टू नल, तो मैं अब इससे बाहर आ जाऊंगा। ये ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज, मतलब मेरा जो लिस्ट यहाँ पर बना हुआ था हर एक नोड में जो जो नंबर था वो मेरा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो यही है मेरा डिस्प्ले फंक्शन का काम, और ये है मेरा मेन मेथड या फिर फंक्शन सिंगल इंग्लिश का। तो मैंने ये पूरा मेन फंक्शन एक ही पेज में दो पार्टीशन करके लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं एक से ज़्यादा पेज करूँगा तो प्रॉब्लम होगा दिखाने में, इसलिए दो पार्टीशन कर दिया और एक ही पेज में पूरा फंक्शन को, मतलब पूरा फंक्शन को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो इस फंक्शन में ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा है, क्या काम हो रहा है वो तो मैं बताऊँगा, सिर्फ नॉर्मली मैं अभी बता देता हूँ। इस फंक्शन में जितना भी, मतलब मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, जितना भी सारा फंक्शन मैंने अभी इम्प्लीमेंट किया थे उस सारा फंक्शन को मैंने यहां से कॉल किया यूजिंग स्विच केस। स्विच केस के थ्रू से मैंने इसको कॉल किया और यहां पर कुछ नहीं हुआ है, तो चलिए इसको भी एक बार समझा लेता हूं ये कैसे काम कर रहा है। तो void main, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ch, ch एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। ओके, while one का मतलब होता है इनफाइनाइट लूप, मतलब ये लूप कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा जब तक हम लोग बाहर से एग्जिट, मतलब यहां पर मेरा 12 में देखिए एक एग्जिट का, मतलब एक एग्जिट फंक्शन लिखा हुआ है, जब तक यूजर 12 प्रेस नहीं करेगा तब तक ये टर्मिनेट नहीं होगा। ओके, तो यहां पर बाद में जाकर बताऊंगा, पहले ऊपर से देख लेता हूं। प्रिंटेफ 1.create, प्रिंटेफ 2.insert@first, प्रिंटेफ 3.insert@last, प्रिंटेफ 4.insert@any position, प्रिंटेफ 5.delete@first,
printf 6.deleteAtLast, 7.deleteAnyQuestion, 8 में है मेरा काउंट, 9 में है मेरा सॉर्ट, 10 है मेरा सर्च, 11 है मेरा डिस्प्ले और 12 है मेरा एग्जिट। मतलब यूजर अगर 12 प्रेस करेगा तो ये जो इनफाइनाइट लूप है वो इनफाइनाइट लूप मेरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रिंटेड इंटरव्यू चॉइस, मतलब यूजर से मैं चॉइस डालने के लिए बोल रहा हूं, मतलब यूजर अपना चॉइस देगा। स्कैनएफ एम्परसेंड ऑफ सीएच, अब इन 12 चॉइस में से यूजर कुछ भी एक चॉइस डाल सकता है, अब ये यूजर के ऊपर है, ठीक है। तो मैं कोई भी एक काम करके देखता हूँ, मान लेता हूँ कि यूजर क्रिएट करना चाहता है, तो यूजर क्या करेगा, सी एच का वैल्यू यूजर वन देगा, ओके। स्विच सी एच मतलब स्विच वन, स्विच वन का मतलब है केस वन के साथ मैच हो गया, उसके बाद ये क्रिएट फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये क्रिएट फंक्शन कॉल करने का मतलब क्या है, एकदम मैंने जहाँ पर क्रिएट का बॉडी डिक्लेयर किया था डायरेक्ट वहां पर वो चला जाएगा, वो काम करेगा। उसके बाद वो काम खत्म होने के बाद क्या होगा, ये जो लाइन था इस लाइन का काम पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके नीचे आऊंगा, ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या है, अब मैं स्विच केस से बाहर आ जाऊंगा। स्विच केस यहां पर स्टार्ट हुआ है और स्विच केस यहां पर खत्म हुआ है, इससे बाहर होने का मतलब क्या है, फिर मैं घूम के इस वाइल वन में आ जाऊंगा, पर वाइल वन खत्म नहीं होगा। ये ब्रेक का मतलब स्विच केस के अंदर, हर एक केस के अंदर जो ब्रेक है, होता है उसका मतलब है वो एक इंडिविजुअल केस को ब्रेक करेगा, क्लियर। तो फिर मैं घूम के वाइल वन में आ जाऊंगा, फिर से ये सेम मैसेज प्रिंट होगा, 1.create, 2.insertAtFirst, 3.insertAtLast, 4.insertAnyPosition, deleteAtFirst, deleteAtLast, ये पूरा जितना भी सारा 12 मैसेज है वो प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से यूजर को बोलेगा एंटर योर चॉइस, यूजर तुम अपना चॉइस दो, यूजर जो भी कुछ चॉइस देगा उसी के हिसाब से मैं उस केस में चला जाऊंगा। अगर मान लेता हूं कि यूजर ने काउंट करने के लिए 8 दे दिया तो सी एच का वैल्यू यूजर 8 देगा, स्विच 8 मतलब एकदम डायरेक्ट मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। उसके बाद काउंट फंक्शन कॉल होगा, काउंट फंक्शन का बॉडी जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर डायरेक्ट चले जाएंगे, वो पूरा काम होगा। उसके बाद जब काउंट फंक्शन का काम खत्म होगा तब मैं इसके नीचे वाला लाइन पे आ जाएंगे, ब्रेक होगा, ब्रेक का मतलब क्या है, स्विच केस से ब्रेक हो जाएगा, फिर मैं घूम के वाइल वन पे आ जाऊंगा, फिर ये मैसेज प्रिंट होगा, फिर से यूजर से चॉइस मांगेगा, यूजर चॉइस देगा, ऐसे ये मेन फंक्शन मेरा चलता रहेगा जब तक यूजर 12 नहीं प्रेस करता है। और अगर मान लो कि यूजर 1 से लेके 12 चॉइस को छोड़कर अपने मर्जी से कुछ भी रैंडम चॉइस डालना स्टार्ट कर दे, मतलब मान लो कि यूजर ने 20 चॉइस दे दिया, मतलब यहां पर दे दे एंटर योर चॉइस, सीएच का वैल्यू यूजर ने 20 दे दिया, क्योंकि यूजर तो कुछ भी दे सकता है, तो स्विच 20 का मतलब क्या है, मैं एकदम चॉइस नंबर 20 पे चला जाऊंगा। पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर मेरा लास्ट 12 तक चॉइस है, उससे ज्यादा चॉइस नहीं है, तो 20 किसी के साथ मैच नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ पे जाऊंगा, उस टाइम पे मैं डिफॉल्ट में चला जाऊंगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि 20 तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, उस टाइम पे मेरा यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक यूजर सी एच का वैल्यू 12 नहीं दे देता। जब भी यूजर सी एच का वैल्यू 12 दे देगा तो 12 देने का मतलब क्या है, हम लोग केस 12 में चले जाएंगे। एग्जिट 0 का मतलब क्या है, टर्मिनेट ए प्रोग्राम फोर्सफुली, मतलब इस प्रोग्राम को पूरा फोर्सफुली टर्मिनेट कर देगा, मतलब एकदम हम लोग लास्ट में चले जाएंगे। ये है मेरा मेन फंक्शन इन सिंगल लिंक लिस्ट का, मतलब ये जो फंक्शन है ये बाकी जितना भी सारा फंक्शन है उन सबको कनेक्ट करेगा मेन फंक्शन के थ्रू से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खत्म होता है हम लोगों का सिंगल लिंक लिस्ट का पूरा कंसेप्ट। अगर आप लोगों को किसी भी फंक्शन के बारे में कुछ सवाल है या फिर कोडिंग में कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा लगे कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मेरा कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मुझे बताइए, सवाल पूछिए, जो भी लाइन आप लोगों को समझ में नहीं आता है उसको वहाँ पर लिख दीजिए, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पर आप लोगों का जो जो डाउट्स है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे भी ये मालूम है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, तो मैं उतना लेंदी नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूंगा, जितना भी सारा फंक्शन है वो मैं पार्ट पार्ट करके मेरा जो चैनल है उस चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए और ज्यादा लेंदी भी ना हो जाए। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा चैनल में नया वीडियो का अपडेशन पाने के लिए मेरे चैनल का जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।